इंसान के जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ आँखों की रोशनी होती है। आज भी आँखों की कई ऐसी बीमारी हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, जिसमें रतौंधी एक बीमारी है। वहीं अब कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज के पूर्व विभाग अध्यक्ष परवेज खान ने एक ऐसी नीडल तैयार की है जो नेत्र रोगों में बेहद कारगर साबित होगी। इससे रेटिना की जिस परत तक दवा पहुंचाई जानी है वह आसानी से पहुंचा जा सकेगी। इस निडल के लिए डॉक्टर परवेज खान को पेटेंट भी मिल गया है। इस निडल को बनाने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा है। इस डिवाइस का नाम सुपर क्लोराइडल निडल रखा गया है। भारत सरकार से उन्हें पेटेंट प्रमाण पत्र भी मिल गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर परवेज खान है। मैं आई डिपार्टमेंट में जीएसवीएम के आई डिपार्टमेंट में काम करता हूं। और ये डिवाइस जिसको हमने पी केस जो मेरा नाम से इनिशियल है सुप्राक्रॉइडल डिवाइस के नाम से रखा है, जो कि 2018 में हमने इसके फाइल किया था पेटेंट और आज 2023 में ये पेटेंट हमें अवार्ड हुआ है। इतने साल 5 साल का गैप पेटेंट होने में समय लग गया, क्या कारण है? सर यूजुअली ये जो पेटेंट होता है ये इंटरनेशनल होता है कि जितने भी इस डिवाइस से सिमिलर डिवाइसेस हैं जो दुनिया भर में पेटेंट हो चुके हैं तो उससे हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये डिवाइस बिल्कुल यूनिक है, उसका कॉपीकैट नहीं है, उससे सिमिलर नहीं है। तो US से, कनाडा से, जापान से, जर्मनी से लगभग 30 डिवाइस हमें वक्त वक्त में हमें भेजे जाते थे कंट्रोल ऑफिस से, पेटेंट ऑफिस से, और ये हमें प्रूफ करना होता था कि हमारी ये डिवाइस उस डिवाइस से कैसे अलग है। तो इस प्रोसेस में यूजुअली इतना टाइम लग जाता है। सवाल ये कि ये डिवाइस बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं एक रेटिनल सर्जन हूँ और रेटिना में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है और उन मरीज़ों को हमें दिन सुबह शाम हमें देखना पड़ता है और बहुत ही लाचारी के साथ, बहुत उम्मीद की निगाह से हमें देखते हैं कि कुछ हम निकाल पाएँ। तो ऐसी एक बीमारी है जिसको कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या रतौंधी। इसके बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते थे जिसका इलाज आज भी दुनिया में नहीं है। तो उस बीमारी के इलाज के लिए मैंने ये इसको किया कि मैंने देखा कि जो एक PRP है जो जॉइंट पेंट्स में इस्तेमाल होता है, प्लेटलेट्स प्लाज्मा, जो जॉइंट पेन में, बाल को उगाने में और वुंड हीलिंग में जो जख्म जो ठीक नहीं होते उसमें इस्तेमाल होता है। तो हमें लगा कि ये PRP अगर हम किसी तरह रेटिना में डाल सकें जहाँ सेल के डेथ हो रहे हैं, जो उस लेयर में डाल सकें, तो शायद हमारे ये जो रतौंधी या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट हैं वो भी इम्प्रूव कर सकें। तो वो ये ख्याल से हमने ये डिवाइस को जगत के कि उस लेयर को पहुंचने के लिए यही एक डिवाइस हो सकता है। तो इसके काफ़ी 1.5 साल तक काफ़ी कैडेवरी का है, जिसमें जो आँख हम लोग मरे हुए इंसान की आँख निकाल लेते हैं आई डोनेशन के लिए, उसमें एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर रियल गोड्स आई में एक्सपेरिमेंट किए गए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि हम इतने ही ये डिवाइस हम इतना बनाए तो जाके वो पूरी सेफ रहे, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए और जिस लेयर में हम ये दवा पहुंचाना चाहते हैं रेटिना के जो उस लेयर में, उस लेयर ही तक पहुंचे। तो